हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका दोस्त ये रौनक अग्रवाल आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैसेज लेके आया हूँ, एक क्लैरिटी लेके आ रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से जो मुझे अकाउंट से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो कि काफ़ी रिपिटेटिव डाउट्स है या काफ़ी मिथ्स है या काफ़ी कन्फ्यूजन्स है जो स्टूडेंट्स के माइंड में, वो मैं भी क्लैरिटी लाना चाहता हूँ उन पॉइंट्स पे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। वीडियो का लेंथ भी काफ़ी शॉर्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, अगर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है और उसमें डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दी होती है, तो फिर डेप्रिसिएशन कितने पीरियड के लिए लेना है? तो ऐसे केस में आप दो बातें कर सकते हो। एक तो पूरे 12 महीने का आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि जो असेट है वो मिड ऑफ द ईयर परचेस की थी, मतलब 6 महीने का आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली आपको अजम्पशन में लिख देना है कि वी हैव चार्ज डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स और फॉर 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट जो काफी डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का, सर कि अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सवाल आता है या अकाउंट करंट वगैरह का सवाल आता है जिसका फॉर्मेट काफी बड़ा होता है, तो क्या वो हम हॉरिजॉन्टली या 2 पेज में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली यू कैन यूज हॉरिजॉन्टल पेज, वर्टिकल पेज और 2 पेज एट अ टाइम। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, द ओनली थिंग इज आपका आंसर सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डाउट जो काफी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर रौनक सर जरा ये बताना कि हम पेन यूज करें या पेंसिल यूज करें फॉर ड्राइंग द फॉर्मेट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेंसिल यूज करो फॉर ड्राइंग द फॉर्मेट्स, और लिखने के लिए तो ब्लैक बॉल पेन यूज करना ही है, वो आप सबको पता है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट्स का कि सर क्या जिस सीक्वेंस जो क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस दे रखा है उसी सीक्वेंस में हमें आंसर करना है क्या? नो माई डियर फ्रेंड्स, यू कैन चूज एनी क्वेश्चन। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, कहीं पे भी एंड कर सकते हो। आप आखिरी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हो, किसी ने रोका नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आप पहले पिक करो। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके सब पार्ट्स है ए बी सी डी। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है तो उसके सब पार्ट्स एक साथ ही करने होंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 ए पहले कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 सी एकदम लास्ट में कर लिया। एक बार जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसके सारे सब पार्ट्स एक ही साथ करने होते हैं। अगर सर सर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया, मुझे ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, बी अभी नहीं आ रहा है लेकिन बाद में आ सकता है, तो एक पेज पे बी लिख दो और उसको जितना जगह लगने वाला है उतना जगह अप्रोक्सीमेटली आप छोड़ दो। ठीक है, बाद में स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो वर्किंग नोट्स होती है ये क्या ड्रॉ करना जरूरी है? तो आप जो हमारे से हमसे पढ़े हुए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि वर्किंग नोट्स आर दी पार्ट ऑफ दी फेयर आंसर। वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं और वर्किंग नोट्स ड्रॉ करनी है। अच्छा, अगर छोटी सी वर्किंग नोट है जैसे कि कॉस्ट पे 25%, तो सेलिंग प्राइस पे कितना, ऐसी वाली वर्किंग नोट है तो स्पेशल वर्किंग नोट नहीं ड्रॉ करते हैं। वहीं पे जर्नल में या लेजर में या उसी फॉर्मेट में अगर आप ब्रैकेट्स में लिख देते हो, एक या 2 लाइन का वर्किंग नोट है तो भी चलेगा। नो नीड टू ड्रॉ अ स्पेशल वर्किंग नोट। ठीक है, बाद में स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, अगर वो स्किप कर दिया तो स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, जितना मतलब वो कंपलसरी है आप लिखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो तो उतना मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है सर, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन में छूट सकता है वो भी सॉल्व करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, एग्जामिनर इवेल्युएटर जो पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन को इवेल्युएट करेंगे और वही क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे जो पिछले 2 दिन से मुझे काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। और एक और रहा क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब हमने कोई मशीन पे एक्सपेंडिचर इनकर किया है जिसकी वजह से फ्यूचर में उसका वर्किंग एक्सपेंडिचर कम होने वाला है। ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस कम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? इट इज एब्सोल्यूट, इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेंडिचर कम हो रहा है इसका मतलब फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। इट इज अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, इसलिए इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही लिख के आएंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर 2 कैलकुलेटर्स ले जा सकते हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली
आप ऐसे तो आप दो कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो, लेकिन आप दो कैलकुलेटर जरूर 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 लेके जाना, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट है, कभी भी गिर गए, कभी भी बंद पड़ सकते हैं। तो दो कैलकुलेटर बेझिझक ले जाना है। आपको एक स्मॉल चेकलिस्ट भी बता देता हूँ, आपको मास्क लेके जाने हैं, सैनिटाइजर लेके जाना है, और साथ ही साथ दो कैलकुलेटर ले जाने हैं, तीन ब्लैक बॉल पेन, जरूरी नहीं तीन, आपकी जितनी मर्जी, दो ले जाना है दो ले जाओ, दस ले जाना है दस ले जाओ, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, स्केल ले जानी है, शार्पन पेंसिल ले जानी है, शार्पनर ले जाना है, रबर ले जाना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो डेक्स है उसमें छेद हो, तो आपको कार्डबोर्ड भी ले जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका एडमिट कार्ड जरूर 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 लेके जाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपका ब्रेन ले जाना है, शांति से पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हमने बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, हमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का अकाउंट्स का पेपर चक्दे पट्टे जाने वाला है हमारा, हमने काफी अच्छी तरीके से मेहनत की है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, खुदा पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, बाकी सारे थॉट्स भूल जाओ। जो एग्जाम जब आप लिख रहे हो, जो 2 घंटा 3 घंटा आपका एग्जाम्स का है, उसमें फुल कंसंट्रेशन आपका पेपर पे ही होना चाहिए, बाकी सारी बातें भूल जाओ। सक्सेस विल बी योर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू रौनक अग्रवाल। और हाँ जी हाँ, आपका पेपर कैसा जाता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, पेपर होने के बाद सर आपका पेपर कैसा गया है। ओके, सो हियर आई एम, सी यू रौनक अग्रवाल, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।